हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये एक लॉन्ग फॉर्म का वीडियो मैं बना रही हूँ और जो ये आपको दिख रहा है अभी, ये दो कॉर्नर्स मैं सेट कर चुकी हूँ एकदम परफेक्टली और मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारा प्यारा लग रहा है। ये छोटा सा मैंने घर लगाया है, कैक्टस और इस टाइप के पेड़ यहाँ पे लगाए हैं मैंने। और ये दूसरी साइड पे, इस साइड वाली वॉल पे कड़ी पत्ता, थूजा, फाइकस वगैरह रखा है। और ये बीच का आपने आर्क तो देखा ही होगा, ये स्टैंड मेरा बेस्ट जगह है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बाहर का साइड भी मैंने पूरा सेट कर दिया है अच्छे से, जितनी भी सब्जियां वगैरह लगी हुई थी। ये दीवार का वीडियो भी मैंने आप बनाया था कि मैंने यहाँ पे भी सब कुछ सेट कर दिया है। इसका वीडियो मैंने नहीं डाला पर मैंने इसको भी पूरा एक दिन मिट के पूरा सेट कर दिया था। और जो मेरी मेन प्रॉब्लम है वो है ये ग्रीन शेड के नीचे जो प्लांट्स रखे थे, वो इंडोर टाइप के प्लांट्स थे जिनको ज्यादा हीट और गर्मी नहीं चाहिए होती है, वो इस समर में पूरे जल भुन चुके हैं एकदम। अब इनको रिकवर कैसे किया जाए, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा ये जल के खराब हो गए थे। तो सबको पहली बात क्या किया मैंने, जब बारिश होना स्टार्ट हुई है सबको मैंने निकाल निकाल के पहले बाहर रखा और मैं बारिश में ही अपना काम करना स्टार्ट भी हो गई। मैं बारिश में भीगते हुए इन पौधों को, जितने भी सूख गई है लीव्स वगैरह, वो कट कट के हटा रही थी। ये आप फर्न देख रहे हैं एकदम काला हो चुका है, पत्ती नहीं दिख रही इसमें। तो कोई बात नहीं, बट थोड़े दिन में ये वापस रिकवर कर जाएगा, मैं सारी सूखी पत्तियां हटा दूंगी। और ये है स्पाइडर प्लांट, जो जरा भी, अब स्पाइडर तो नहीं भूतिया प्लांट जरूर लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं बचा बचने के लायक। और ये है मेरा सुंदर सा मनी प्लांट, सड़ गई है इसकी पत्तियां, बस नीचे जो जड़ के पास है वो एरिया इनका सही है। तो जितना भी जला हुआ पोर्शन है सबको मैं कट करके हटा रही हूँ, जितनी भी लंबी लंबी डालें थी वो सब भी हटा दूंगी। और इस टाइप से देखिए अब ये बन चुका है, अब इसमें नई नई ग्रोथ आएंगी बारिश के टाइम पे और ये फिर से रिकवर हो जाएगा। ये है टेबल फैन पाम, जिसकी लीफ भी जल गई है धूप के वजह से, तो इसको भी कट करके मैंने हटा दी है। अरिका पाम बता रही हूं मैं, इसकी मैक्सिमम लीफ जल चुकी है और ये पूरा शेड के नीचे रखा था, शेड के नीचे नीचे पूरा जल गया है ये। अभी तीन चार पत्ती मुझसे काटी गई, उसके बाद तो भाई मुझसे नहीं काटा जा रहा था, मैं इतनी सारी लीव्स नहीं काट सकती। मेरा अरिका पाम बहुत ज्यादा फेवरेट है और ये बहुत ज्यादा घना और बड़ा हो चुका था। उसके बाद शेड के नीचे ही एक खिड़की जैसी जगह है, यहाँ पे मैंने हैंगिंग पॉट्स टांग रखे हैं। ये DIY पॉट्स है, मेरे खुद के बनाए हुए ही है। उसमें टर्टल वाइन लगी थी और मनी प्लांट लगा हुआ था वेरीगेटेड वाला, वो एंजॉय वाला, तो उसको मैंने काट काट के हटाया है ताकि न्यू ग्रोथ आ सके। और ये अगेन स्पाइडर प्लांट एकदम, मतलब क्या ही बताऊं, सबको निकाल के मैंने फेंका, सबको मैंने एक्चुअली डिस्कार्ड कर दिया, मैंने इसकी जगह नए प्लांट लगा दिया। और ये टर्टल वाइन के गमले में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट उगाए थे घास वगैरह, उनको हटा के रिमूव किया। अब बारी है ये कैलिशिया रिपिन्स की, जिसको आप देख सकते हैं इसमें एक पत्ती भी बची नहीं है, सबका सब जल के खत्म हो चुका, तो सबको निकाल के मैंने हटा दिया है। दूसरी जगह एक और जगह मेरा ग्रो हो रहा है, वो लेके इसमें लगा दूंगी मैं। अब मैंने मॉन्स्टेरा की जो जली हुई लीफ है पीली वाली, उसको भी काट के हटाया। और इस अरिका पाम को बारिश हो रही थी तो बाहर शेड के बाहर लेके गई कि अच्छे से बारिश में ये धुल जाए, उसको पानी मिल जाए। और अब मेरे शेड के अंदर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है और ये एक दो दिन बाद कुछ ज्यादा ही खराब हो गई और मैंने बहुत ज्यादा गंदगी मचा दी इसके अंदर। अब शेड के नीचे का काम तो चलता रहेगा। एक दूसरा कॉर्नर है मेरा छोटा सा, यहाँ पे मैंने बना रखा है, अब इसकी बारी है, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। इधर भी बहुत ज्यादा लीव्स जल गई हैं धूप के वजह से, तो अब मैं क्या करूंगी, इनको सबको कट करके हटा दूंगी। और जो इधर वाला पोर्शन है और ये इधर वाला पोर्शन है, इसमें जो थोड़ा सा सेटअप चेंज करूंगी मैं, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ये भी पूरा अम्ब्रेला पाम भी जल गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सफाई करना। अब मैंने इसे टाइम लैप्स पे लगा दिया है तो जल्दी जल्दी सफाई हो जाएगी, आप लोग वो देख सकते हैं, आपको एक एक चीज तो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे पत्थर सजा रखे थे गोल वाले, जो शंकर जी होते हैं उनको हटाया मैंने, जितना भी गमला वगैरह था धीरे धीरे करके सब कुछ रिमूव किया। और नीचे एग्जैक्टली इतना ज्यादा मिट्टी जमा हो गई थी ना, सारे पत्तियां गिर के मिट्टी, गमले से निकल निकल के मिट्टियां, वो सबको ऐसे मैंने खरोच खरोच के निकाला है और उसको यहाँ पे क्लीन किया अच्छे से। उसके बाद अपना ओरुकेरिया, ओरुकाना मतलब जिसको क्रिसमस ट्री कहते हैं लोग, उसको मैंने यहाँ पे सेट किया अच्छे से जैसे मुझे एंगल अच्छा लगा। उसके बाद जितने भी प्लांट्स और थे मैंने हटाए थे, वो सब लाके यहाँ पे डेकोरेट किया। और आखिरी टच मिला इसे इस एस्पेरेगस फर्न से। और अब मैं इस अपने अम्ब्रेला पाम को क्लीन करने वाली हूँ। ज्यादातर 90% इसमें जो लीव्स थी वो सारी जल चुकी थी, सबको मैंने काट के रिमूव कर दिया, मैं उनको नहीं बचाने वाली हूँ। उनमें सीड डेवलप होने लगे थे, वो थोड़े दिन में वैसे भी जल के खत्म हो जाते, तो मैंने जो न्यू ग्रोथ आई थी बस उसी को बचाया और सबको हटा के फेंक दिया। ये देखिए, इसको सीड्स कहते हैं। अम्ब्रेला पाम बहुत ही विचित्र तरीके से प्रोपोगेट किया जाता है, अगर आपको वो सीखना है तो जरूर मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी। अब ये वाला कॉर्नर जो इधर शेड वाला था, उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ, जितनी भी येलो लीव्स और जली हुई लीव्स है सबको मैंने हटा दिया है ताकि अब वो बारिश में फिर से अच्छे से रीग्रो हो सके उनकी। बारिश के टाइम मेरा बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है, इस टाइम पे इतनी सारी लीव्स निकली है, सबको मैं कॉम्पोस्ट में डालूंगी और आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।